बसमिल्ला रमान रहीम तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में इंटरव्यू में अगर आपसे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन किया जाए कि इन दोनों सर्च बॉक्स में आपको एक ही फॉर्मूले को जो एक ही काम आपको करना है लेकिन डिफरेंट फॉर्मूले के साथ तो क्या काम करना होता है जैसे कि आप यहां पर जो है वो कोई भी नेम सर्च करते हैं जैसे आपने यहां पर सेलेक्ट किया दानिश तो दानिश का जो है हमें यहां पर उसका रिकॉर्ड निकाल के मिल रहा है क्या आ रहा है यहां पर वीक टू का डाटा आपको यहां पर 78 दिखा रहा है अगर मैं अपने सेकेंड वाले सर्च वाले बॉक्स के अंदर जो है सेम नेम यहां पर टाइप करता हूं तो देखिए तब भी मेरे पास यहां पर आंसर आपको सेम नजर आ रहा है अब ये आंसर जो है वो आपको अलग अलग फॉर्मूले से जो है वो दोनों काम एक जैसे कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा तो पहले तो मैं क्या कर लेता हूं यहां से इन जो आंसर को जो है मैं यहां से डिलीट कर लेता हूं अब इसी के ऊपर जो हम वर्किंग करके देखते हैं अब देखिए मैंने यहां पर क्या काम करना है सबसे पहले आपको यहां पर जो है एक फॉर्मूला है वी लुकअप वी लुकअप फॉर्मूले को हम यूज करेंगे तो यहां आपको अप्लाई करना है इक्वल और वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना है लुकअप वैल्यू के अंदर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है जहां पर आपको अपना नेम सर्च करना है ये आपका लुकअप वैल्यू हो जाएगा उसके बाद आपको यहां पर कॉमा लगाना है फिर आपसे पूछेगा टेबल एरे टेबल एरे के अंदर जो आपको नीचे टेबल दिया गया है, इस पूरे टेबल को आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है उसके बाद आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे अब आपसे पूछेगा यहाँ पर कॉलम इंडेक्स अब इस कॉलम इंडेक्स की जगह आपको यहाँ पर टाइप करना है मैच का फॉर्मूला तो हम यहाँ पर दो फॉर्मूला को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं अब मैच फॉर्मूले की कंडीशन आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू आप यहाँ पर जो है वो नेम के साथ उनकी जो भी वीकली सेल टाइप होगी वो आपको यहाँ पर उसके साथ आपको इसको कनेक्ट करना है तो आपने यहाँ पर लुकअप वैल्यू में आपने दिया सेल इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहां पर कॉमा लगाना है अब आपसे पूछेगा लुकअप एरे अब ये लुकअप एरे कहां बनाना है आपको तो आपने यहां से ये यह जो आपकी टेबल एरे की जो हेडिंग्स है इनको आपने सेलेक्ट कर लेना ये आपका लुकअप एरियो बन जाएगा उसके बाद कॉमा लगा के आपको यहां पर टाइप कर लेना जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए उसके बाद ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको यहां पर कॉमा लगाना है अब यहां पर जो आपका एग्जैक्ट मैच आ रहा है वो आ रहा है आपका वैल्यू का फॉर्मुले का तो यहां भी आपको जीरो टाइप करना है ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे एंटर जैसे आप एंटर कर देंगे आप देखिए यहां पर अगर मैं कोई भी एक नाम सेलेक्ट सर्च करता हूं जैसे मैंने ताहा लिखा तो देखिए ताहा का डाटा मेरे पास आ चुका है वीक टू के हिसाब से तो मैंने वीक टू सेलेक्ट किया यहां पर अगर मैं यहां से चेंज कर दूंगा वीक थ्री तो देखिए वीक थ्री के अकॉर्डिंग क्या आ रहा आंसर आपके पास थर्टी थ्री आ रहा है अब यही काम मुझे अपने सेकंड वाले सर्च बॉक्स में करना है अब यहां पर वी लुकअप की जगह मुझे यहां पर एच लुकअप यूज करना है अब देखिए दोनों काम एक ही करेंगे बट हमारा जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट है तो यहां मैं अप्लाई करता हूं सेकेंड जो है वो अपना एच लुकअप के लिए आप यहां पर इक्वल लगाएं और यहां पर अच्छा यहां नहीं इस तरफ आप आए इक्वल लगाएं एच लुकअप लुकअप वैल्यू के अंदर सबसे पहले आपको यहां पर आपके जो है वो नेम वाला सेल बॉक्स सेलेक्ट करना है जहां पर आपको सर्च करना है उसके बाद आपको यहां पर कॉमा लगाना है अब यहां आपसे पूछेगा टेबल एरे तो टेबल एरे के लिए आपको यही टेबल आपको कंप्लीट सेलेक्ट कर लेना है ये आपका टेबल एरे बन जाएगा उसके बाद आपको यहां पर कॉमा लगाना है अब आपसे पूछेगा रॉ इंडेक्स अब रॉ इंडेक्स की जगह आपको यहां पर मैच का फॉर्मूला यूज करना है लुकअप वैल्यू आपसे पूछेगा यहाँ पर तो लुकअप वैल्यू के अंदर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपकी जो वीकली सेल्स वाला जो सेल है इसको आपने सेलेक्ट करना है उसके बाद कॉमा लगा देंगे अब यहाँ आपसे पूछेगा लुकअप एरे अब लुकअप एरे के लिए अब आपको यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है तो ये कंडीशंस अब आपको थोड़ी सी जो है वो जहन में रखनी की है यहाँ अब आपको जो है सबसे पहले ये जो आपका नीम वाला कॉलम है इसको आपने सेलेक्ट करना है क्योंकि अब आप हॉर्जेंटल वाइज जा रहे हैं तो इसलिए आपको जो है वो इस तरीके से कंडीशन सिलेक्ट करनी है उसके बाद कॉमा लगाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो ब्रैकेट क्लोज कॉमा लगा देंगे एच लुकअप के लिए एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे एंटर जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर मैं सेम नीम यहाँ पर सर्च करता हूँ जैसे मैंने कहा सिलेक्ट किया और कहा सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर वीक थ्री सेलेक्ट अच्छा यहाँ पर हमारे पास आंसर नहीं आ रहा देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है तो एच लुकअप आपने यहाँ पर अच्छा एच लुकअप सॉरी यहाँ पर हमने एक मिस्टेक क्या कर दी कि लुकअप वैल्यू के अंदर आपको ये वाला सेल सेलेक्ट करना है ठीक है उसके बाद जो मैच आपका फॉर्मूला है इसके अंदर जो है आपको यहाँ पर नेम वाला आपको जो है वो सेल सेलेक्ट करना है उसके बाद आप एंटर कर देंगे तो मैं वी लुकअप के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने जो है वो लुकअप सेलेक्ट कर लिया था एच लुकअप आपका हॉरिजेंटल वाइज है तो आप यहाँ पर एंटर कर दें तो देखें अब आपके पास आंसर सेम आ हाँ चुका अब आप यहाँ पर नाम चेंज कर लें जैसे मैंने असद टाइप किया असद का जो डाटा है यहाँ पर आपको दिखा रहा है वीक थ्री का एट्टी अगर मैं वीक की जगह यहाँ पर करता हूँ फोर तो देखें असद का वीक फोर का आंसर क्या रहा है फोर्टी अगर यहाँ पर भी हम चेंज करते हैं मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया असद उसके बाद यहां पर अगर मैं वीक चेंज करता हूं वीक फोर तो देखें उसका भी आंसर यहां पर आपको सेम दिखा रहा है तो दोनों फॉर्मूले आपके पास डिफरेंस थे तो यहां जो सर्च बॉक्स है वो एक ही काम कर रहा है तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है वो इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं आपको डाटा दे दिया जाता है और आपसे जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चंस अपनी शीट को कॉन्सेप्ट को आगे पीछे करके तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन कर लिए जाते हैं ताकि जो है आप एक्सेल के अंदर कितने एक्सपर्ट हैं तो वो आपका जो एक्सपर्टीज होती है वो आपकी जो है यहाँ पर काम आती है कि आप वीडियोज़ को देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे तो फिलहाल इस क्लास की आप प्रैक्टिस कीजिए मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़